दुनिया में अगर सारी चीज़ें खत्म भी हो जाएं, तो एक चीज़ है जो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होने वाली, वो है खाना। अरे भाई, खाना खाना कौन बंद कर सकता है? इंसान जीता ही खाने के लिए है। लेकिन खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी ये देखना है कि आप खा क्या रहे हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी व्यंजन मौजूद हैं जिन्हें खाने के बाद आप अपना दूसरा मील ले पाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आपको हमारी इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को घंटे वाले आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें। बुलफ्रॉग, जिसे अमेरिकन बुलफ्रॉग भी कहते हैं, अमेरिका और साउथ अफ्रीका के लोग इन्हें नाश्ता बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन मेंढक को देखकर ही कई लोगों को घिन आती है, उसे अमेरिका, साउथ अफ्रीका और फ्रांस जैसे देशों में बड़े चाव से खाया जाता है। और खास करके इनकी टांग तो बहुत ज्यादा फेमस है। वैसे इनको खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस बात पे ध्यान देना होता है कि आप किस साइज का लेग पीस खा रहे हैं। कि अगर बुल फ्रॉग साइज में बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसका साइज छोटा है तो इसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी हो जाती हैं और कई लोगों की तो जाने भी जा चुकी हैं। फिर भी लोग इन्हें बड़े चाव से खाते हैं। एल्डर बेरी, हमें पता है कि ये नाम सुनकर आप थोड़ा चौंक गए होंगे कि भला एल्डर बेरी खाने से किसकी मौत हो सकती है। लेकिन हम आपको बता दें कि आपने इसके बारे में केवल अच्छी बातें सुनी है, लेकिन कई रिसर्च में ये बात पता चली है कि अगर इन्हें बिना पकाए खाया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। इससे साइनाइड की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर इसके बेनिफिट की बात करें तो इससे इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी बढ़ता है। और अगर आपको साइनाइड की प्रॉब्लम से बचना है तो इसे पकाकर खाने में ही भलाई है। ब्लड क्लाम्स, सी फूड ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग खाते हैं, खासकर कि चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों में। लेकिन अगर आपको ब्लड क्लाम्स खाना पसंद है तो जरा संभल कर। वैसे तो ये दुनिया में केवल एक ही जगह पर खाए जाते हैं और हमें नहीं लगता कि हमें आपको उस जगह का नाम बताने की भी जरूरत है, क्योंकि जिस देश में किसी भी चीज को खाया जाता है उस देश का नाम कुछ और नहीं, चाइना ही होगा। चीन के शंघाई शहर में ये सबसे ज्यादा खाया जाता है। अगर हम आपको इसके बनने का तरीका बताएं तो आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि ना ही इसे पकाया जाता है और ना ही रोस्ट किया जाता है। इसे केवल गर्म पानी में उबाला जाता है। तो अब आप समझ लीजिए कि चीनी लोग इसे जिंदा ही खा जाते हैं, और इसका सबूत आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इन पर नींबू छिड़कते ही ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसे खाने की वजह से कई लोग हॉस्पिटल भी पहुंच गए। लेकिन फिर भी चाइना के लोग अपनी हरकतों से बाज कहाँ आने वाले हैं। ऑक्टोपस, बेशक आपने ऑक्टोपस का नाम सुना होगा। लोग इन आठ पैरों वाले जानवर को खाने का भी शौक रखते हैं, जिसकी वजह से लोग ऑन द स्पॉट भी मर जाते हैं। लेकिन फिर भी वह अपनी हरकतों को छोड़ने वाले नहीं हैं। अगर आपको ऑक्टोपस के नुकसान समझ में नहीं आ रहे तो इन मोहतरमा को देख लीजिए। ये ऑक्टोपस खाने बैठी थी, लेकिन जिंदा ऑक्टोपस ने इन्हें अपना नाश्ता बनाने का सोच लिया। इस कारण इनके आंसू भी निकल गए। लेकिन फिर भी आपको ये चीन के हर दूसरे रेस्टोरेंट में खाने को मिल जाएंगे, और ये आपकी प्लेट में कुछ इस तरीके से घूमेंगे कि आपको इन्हें देखकर कुछ खाने का मन ही नहीं करेगा। मंकी हेड, चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में एक ऐसी चीज खाई जाती है कि जिसका नाम सुनकर ही आप हाथ जोड़कर कहेंगे कि चार दिन तक खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि ये कुछ और नहीं, बंदर का सर है। क्योंकि यहाँ के लोग मंकी हेड को खाते हैं, मतलब बंदर के सर को खाते हैं, वो भी जिंदा। और कई रेस्टोरेंट तो ऐसे हैं जिन पर बंदरों को मारकर उनका सिर थाली पर परोस दिया जाता है, और लोग इसे बड़े चाव से खा भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि बंदर का सर खाने की प्रथा आज से नहीं, कई सालों से चली आ रही है। जहाँ पर ये बंदर हमारे पूर्वज हुआ करते थे, वहीं ये लोग इन्हें मार कर खाते हैं। ऊपर से ये लोग इसे भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसे खाने से हजारों बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन इन्हें बीमारियों से क्या, इन्हें तो दुनिया भर में बीमारी फैलाने से मतलब है, जो इन्होंने फैला भी दी है। जहाँ तक आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आ रहा होगा,
अगर हाँ तो भैया साथ ही इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए कि हम आगे भी ऐसी ही और वीडियोस लाते रहें। हाँ करल, बात करें अगर आइलैंड की तो ये बहुत खूबसूरत देश है, लेकिन यहाँ के लोग कुछ ऐसा खाते हैं जिसके बारे में हम नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का फेवरेट फूड हाकरल है। जी हाँ, क्योंकि ये फूड सार्क फिश से बनाया जाता है और सार्क से बनने वाला ये फूड कुछ अलग तरीके से बनाया जाता है, जिसमें सार्क फिश को पकड़कर कई टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर इसे जमीन के अंदर 7 दिनों तक रखा जाता है और फर्मेंटेशन के प्रोसेस के लिए इसे 3 से 4 महीने तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे कि इनकी बॉडी में अमोनिया जम जाता है। और कहा यह जाता है कि 4 से 5 महीने बाद निकालने के बाद इनकी बॉडी से इतनी बुरी स्मेल आती है कि कोई इनके पास खड़ा तक नहीं होता है। आप ही सोचिए कि इतने बदबूदार चीज से बनने वाले फूड को लोग बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि जिस मीट को 4 से 5 महीने के लिए ऐसे ही रख दिया हो वो किसी जहर से कम थोड़े होगा। पफर फिश, क्या आप लोगों ने कभी पफर फिश के बारे में सुना है? क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक मछली है जिसके अंदर जहर पाया जाता है, लेकिन फिर भी जापान के लोगों की माने तो जापान के लोग इसे इतना प्यार करते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन इसे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। और इसमें पाए जाने वाले जहर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसको काटने के लिए भी अलग से स्पेशलिस्ट सेफ की जरूरत पड़ती है, जिन्हें पता होना चाहिए कि पफर फिश कैसे बनाई जाती है। ना किसी आम इंसान ने इन्हें पकाकर काटकर आपके सामने रख दिया तो आप ये समझ लीजिए कि आप ज्यादा टाइम तक जीवित नहीं रह पाएंगे। गवर्नमेंट सर्टिफाइड सेफ ही इसे बना सकते हैं, वरना किसी और ने बनाया तो समझ लीजिए वंटाधार हो जाएगा। एक बफर फिश में इतना जहर होता है कि 30 लोग आराम से मर सकते हैं। काशू मर्चू चीज, चीज का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन अब हम आपको जिस चीज के बारे में बताने जा रहे हैं उसके बनने के तरीके के बारे में सुनकर शायद आप नॉर्मल चीज भी खाना बंद कर दें, क्योंकि ये है यूरोप का कासू मर्दू चीज, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिल्क प्रोडक्ट बताया गया है। इसे भेड़ के दूध से बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए दूध को कई दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ये इसलिए कि कई तरह के कीड़े मकोड़े इस पर अपना अंडा दे सके। उसके बाद इसे अंधेरे कमरे में, यानी कि जहां पर सूरज की रोशनी ना पहुंचे, वहां पर 3-4 महीनों के लिए बंद कर दिया जाता है। फिर इन चीज के ऊपर कई सारे कीड़े मकोड़े पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके बनने के तरीके को लेकर यूरोप में इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे ब्लैक मार्केट में काफी महंगे रेट पर बेचा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आगे भी ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को घंटे वाले आइकन के साथ सब्सक्राइब करना मत भूलें।